सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी फिफ्थ क्लास का इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 15 कर रहे हैं, जिसमें हम द टेंस यानी काल के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों, क्या होता है काल, क्या होता है द टेंस, आपको याद हो गया होगा अब तक। द टेंस टेल्स द टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है। काल हमें किसी क्रिया के समय का बताता है, उसे हम काल कहते हैं। काल हमारे तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हम अपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। अब हम फ्यूचर टेंस के जो बाकी फोर पार्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस हमारे चार पार्ट में डिवाइड है। जो है पहला टाइप है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के बारे में। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आते हैं वह फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन दिल्ली जाएगा, राधा खाना खाएगी, हम घूमने जाएंगे, मोहन पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो जिन वाक्यों के अंत में गा, गा, गे या गा ऐसे आएगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। ओके, चलिए अब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं, चलिए वो देखिए। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है विल या शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है विल या शैल, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने बोला राधा पढ़ाई करेगी, राधा विल स्टडी। मैंने कहा मोहन दिल्ली जाएगा, मोहन विल गो टू दिल्ली। अब बच्चों याद रखना विल जो है वो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, ठीक है, विल आता है। और सेल जो है वो आई के साथ, वी के साथ, शैल आता है, ठीक है। ही, शी, इट, दे, इनके साथ क्या आता है, विल आता है, ठीक है। और सेल जो है वो आई के साथ, वी के साथ, ठीक है, क्या आता है, शैल आता है। चलिए आगे, नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल है, सब्जेक्ट विल सेल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैंने बोला कि राधा खाना नहीं खाएगी, राधा विल नॉट ईट फूड, ठीक है। ही विल नॉट अब्यूज, वह गाली नहीं देगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, फिर विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। मैंने कहा क्या राधा खाना नहीं खाएगी, विल राधा नॉट ईट फूड। बच्चों याद रखना इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हमें नेगेटिव लगाना है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। मैंने बोला क्या राधा खाना खाएगी, विल राधा ईट फूड, क्या राधा खाना नहीं खाएगी, विल राधा नॉट ईट फूड, ठीक है। चलिए यहाँ पे रूल देखते हैं, विल सुरेश क्राई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्राई, लाउडली इन द मैच, ये हो गया लाउडली से लेके मैच तक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से हो रही है तो विल या शैल आएगा शुरुआत में, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट सब्जेक्ट के बाद आए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उससे पहले बताओ कि ये कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस है। वह दूध लाएगी, असर्टिव सेंटेंस। कल मैं मंदिर जाऊंगा, असर्टिव सेंटेंस।
गीता गाना नहीं गाएगी, नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस। सुमित्रा एक कविता लिखेगी, असर्टिव सेंटेंस। यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वह दूध लाएगी, शी विल ब्रिंग मिल्क, ठीक है। ऐसे करके आपको इन्हें कन्वर्ट कर लेना है। चलिए चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।